हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। द SN1 मैकेनिज्म या SN1 रिएक्शन सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में मैं आपको इसका एक कंप्लीट हैंडमेड नोट्स प्रोवाइड करूंगा जो आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। साथ ही साथ इसका मैकेनिज्म कंप्लीट डिटेल में आपको फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप समझाऊंगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। द SN1 मैकेनिज्म या द SN1 रिएक्शन भी कहा जाता है। यहाँ पे SN हमारा रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे S का मतलब होगा हमारा सब्स्टिट्यूशन और N बराबर होगा हमारा न्यूक्लियोफिलिक, और साथ ही 1 का मतलब होता है हमारा यूनिमोलिकुलर, मतलब कि यहाँ पे जो हमारा जो है फर्स्ट ऑर्डर टाइप का ये एक रिएक्शन है। तो द SN1 रिएक्शन का बेसिक अगर आप डेफिनेशन लिखेंगे तो इसको इस एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हैं। लेट्स अस टेक द एग्जांपल ऑफ एल्कालाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ टी ब्यूटाइल ब्रोमाइड टू गिव टी ब्यूटाइल एल्कोहल। टी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का एग्जांपल लेते हैं, जिसको हम न्यूक्लियोफिलिक OH-, ये एक न्यूक्लियोफिलिक स्पेसिस है। न्यूक्लियोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इसलिए इसमें माइनस चार्ज रहेगा। तो इसके साथ जब इसको रिएक्शन कराते हैं तो हमको टी ब्यूटाइल एल्कोहल प्राप्त होता है, जहां पे जो हमारा लिविंग ग्रुप होगा ब्रोमाइड वो अलग हो जाता है। तो ये बेसिक सा इसका जो है हमारा रिएक्शन है। इसका आप इसको जो है ये डेफिनेशन देखिए इस एग्जाम्पल के द्वारा समझा सकते हैं। दिस इज एन SN1 रिएक्शन का है। इसका मैकेनिज्म क्या होता है देखते हैं। SN1 मैकेनिज्म इज टू स्टेप प्रोसेस, ठीक है। जो SN2 मैकेनिज्म होगा वो 1 स्टेप में कंप्लीट होता है, लेकिन जो SN1 मैकेनिज्म है ये हमारा 2 स्टेप प्रोसेस होता है। जो पहला स्टेप इज स्लो हाइड्रोलाइसिस ऑफ सब्सट्रेट टू गिव एन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन। पहला स्टेप में हमारा जब स्लो एक स्लो रिएक्शन है, तो स्लो रिएक्शन होता है तो हमको इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन प्राप्त होता है। दिस इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। ये जो स्टेप होता है फर्स्ट स्टेप, यही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, जहां पे टी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का एक नॉर्मल सा रिएक्शन होगा। पहला इंटरमीडिएट प्राप्त हमको कार्बोकेटाइन बनेंगे, तो ये हमारा टी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, साथ ही साथ लिविंग ग्रुप यहां पे अलग होगा। उसी प्रकार हमारा ये फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट होता है, टी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का स्लो स्टेप में प्रोसेस होता है और टी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन हमें प्राप्त होता है। उसी प्रकार हमारा जो सेकेंड स्टेप होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे इंटरमीडिएट बनेगा फर्स्ट स्टेप में, लेकिन सेकेंड स्टेप में हमें फाइनल प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो जो सेकेंड स्टेप मैकेनिज्म क्या होता है, इस फास्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन विथ द न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये जो एक फास्ट कॉम्बिनेशन है इंटरमीडिएट जो कार्बोकेटायन बना है उसके साथ हमारा न्यूक्लियोफिलिक OH स्पीसीज, दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है तो हमको फाइनल प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो ये कार्बोकेटायन कार्बोकेटायन मतलब कि प्लस चार्ज होगा, क्योंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन ऑनली होते हैं इसके आउटर सेल में, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो हमारा प्लस चार्ज रहेगा। कार्बोकेटायन के साथ जब न्यूक्लियोफिलिक OH- जब दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, फास्ट रिएक्शन होगा, तो हमको फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हमारा जो टी ब्यूटाइल एल्कोहल प्राप्त होता है। तो यही है SN1 मैकेनिज्म, जिसमें हमको टी ब्यूटाइल एल्कोहल फाइनल प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। और ये 2 स्टेप रिएक्शंस हैं, बहुत बेसिक सा आपको कुछ कुछ चीजें याद रखना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको नॉर्मल सा अटेंड कर सकते हैं आपके एग्जाम में। तो बस यही था इस टॉपिक का एनालिसिस, आपको मैंने कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड किया, आई होप कि आपके लिए यूजफुल हो। साथ ही साथ आपके सेमेस्टर एग्जाम में आपके खुद के नोट्स बनाने के लिए ये आप इससे हेल्प ले सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट जो मैंने समझाने का प्रयास किया है। तो बस इसका आप डेफिनेशन लिखेंगे, इसके मैकेनिज्म में 2 स्टेप लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।